हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए देखते हैं कि फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। तो फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्लाउड कॉन्फ़िगर करना पड़ता है पैकेज ट्रेसर में। रियल सिनेरियो में अगर आप फ्रेम रिले की सर्विसेज देते हैं तो जो ये वैल्यूज़ हैं, जैसे ये डेलसी वैल्यूज़, ये आपको सर्विस प्रोवाइडर ही प्रोवाइड करता है और ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप की कैसे करेंगे। तो हमारा, मैं आपको थोड़ा फ्रेम रिले के बारे में बता दूं। फ्रेम रिले एक प्रोटोकॉल है जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है। हमारे वैन में यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में, और ये वर्चुअल सर्किट्स के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। वर्चुअल सर्किट्स मतलब कोई रियल सर्किट नहीं होता है। मान लीजिए, ये समझिए राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3 हैं, तो इनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्टिविटी डायरेक्टली नहीं है। क्या होता है कि आपके स्विच से जो सर्विस प्रोवाइडर का, या आपके सॉरी राउटर से जो सर्विस प्रोवाइडर का फ्रेम रिले स्विच होता है, वहां तक आपका जो एक ही केबल जाती है सिंगल, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग को यूज करती है और इसमें मल्टीपल चैनल्स को, या हम कहें सब इंटरफेसिस के थ्रू हम कनेक्टिविटी बनाते हैं। और हमारे राउटर्स को ऐसा फील होता है, या हमें ऐसे फील होता है, हमारे यूजर्स को ऐसा फील होता है कि जैसे ये कनेक्टिविटी डायरेक्टली ही बनी हो, यानी कि राउटर 1 से और राउटर 2 के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो। इन वर्चुअल सर्किट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो वैल्यूज यूज करते हैं वो होती है डेलसी वैल्यू, या डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि इस केस में जो हमारा वर्चुअल सर्किट राउटर 1 से राउटर 2 के बीच में जा रहा है, तो इस एंड पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 102 वैल्यू है, और यहाँ पे राउटर 2 में वही वैल्यू जो वर्चुअल सर्किट हमारी कनेक्ट कर रही है राउटर 1 से, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा 201 हमने डेलसी वैल्यू ली है। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं इसको हम देखते हैं। एक्चुअली मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन इस क्लाउड में करनी होगी, तभी मैं इसको यूज कर पाऊंगा। बट रियल सिनेरियोज में ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी और आपको इसको जस्ट राउटर्स के ऊपर कॉन्फ़िगर करना होगा। तो पहले वीडियो में हम जस्ट देखते हैं कि इस क्लाउड को, जो एक्ट करेगा एज अ मेरा फ्रेम रिले क्लाउड, तो मैं इसको कैसे कॉन्फ़िगर करता हूं। इसके लिए मैं एक और विंडो ओपन करता हूं पैकेट ट्रेसर की, और इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। देखिए, तो इसके लिए मुझे यहां से देखिए वैन एमुलेशंस में से एक फर्स्ट क्लाउड मेरे को उठाना है, उसके बाद राउटर्स में से, चलिए 2600 सीरीज के राउटर ही ले लेते हैं, 1, 2 एंड 3। तो मैं आपको बताता हूं कि इनके बीच में कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे। हम मॉड्यूल्स ऐड कर देते हैं, मान लीजिए वही वैन इंटरफेस कार्ड 1T, चलिए एक ऐड कर दिया और ऑन कर दिया, अगेन सेकंड राउटर पे, थर्ड राउटर पे, और इनकी कनेक्टिविटी कर देते हैं। तो यहां से मैं डीसी डीडी केबल उठाता हूं, ये देखिए ये वाली सीरियल डीसी। तो इसको स्टार्ट करता हूं हमारे क्लाउड से, क्योंकि अगर मैं इसको क्लाउड से स्टार्ट करूंगा तो मुझे कोई क्लॉक रेट कमांड नहीं डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इसको क्लॉक मिल जाएगा। तो इसको कनेक्ट करता हूं सीरियल 0 से, इसी तरीके से सीरियल 1 को ध्यान दीजिए, कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे सीरियल 0 से, और अगेन क्लाउड के सीरियल 2 से कनेक्ट कर रहा हूँ अगेन सीरियल 0 से। तो जो क्लाउड का सीरियल 1 है वो कनेक्टेड है सीरियल 0 ऑफ राउटर 1, क्लाउड का सीरियल 2 सीरियल 1 जो है 0 जो कनेक्टेड है राउटर 0 से, राउटर जो ये फर्स्ट राउटर है इससे, और इसका 1 जो है वो 1 से, और 2 जo hai wo is router se connected hai jo mera yahan pe router 2 dikha raha hai, otherwise router 3 isko maan lete hain, chaliye isko rename kar dete hain,
चलिए तो क्लाउड को क्लिक करते हैं, तो देखिए मेरे सामने क्लाउड का सीन एक आपके सामने आ जाएगा। जो ये क्लाउड आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स इसमें एडेड हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप फ्रेम रिले डीएसएल केबल पॉडम की तरह भी कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ भी कर सकते हैं आप। तो हम फ्रेम रिले हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो इंटरफेसिस में सीरियल जीरो में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एलएमआई आपको दिखा रहा है। तो तीन टाइप के एलएमआई अवेलेबल होती है। एलएमआई स्टैंड फॉर लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस। इट इज़ बेसिकली अ सिग्नलिंग स्टैंडर्ड बिटवीन द डीसी अवर डीसी एंड डीटी डिवाइस। मतलब जो ये हमारा राउटर लगा हुआ है और यहाँ रखा हुआ जो फ्रेम रिले स्विच है, इसके बीच में जो सिग्नलिंग स्टैंडर्ड होगा, उस स्टैंडर्ड को उसकी तीन डेफिनेशंस हैं, तीन जो प्रोवाइडर्स हैं वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उसको प्रोवाइड किया है। हमारे राउटर्स जो सपोर्ट करते हैं सिस्को के, एक तो सिस्को प्रोप्राइटरी, एक एनसी की है एनसाई, और एक है आईटीयू की Q933A। तो कोई भी आप ले लेंगे, एक्चुअल में आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको बताएगा या लोकली भी इसको ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर लिया जाता है। जो भी आप लेना चाहेंगे उसी को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम सिस्को एलएमआई लेते हैं और डेलसी वैल्यूज़ में डालते हैं 102, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये जो ये सीरियल जीरो है, इससे दो डेलसी वैल्यूज निकलेंगी, तो इसको करते हैं 1 2 2 कर देते हैं, ऐड करवा देते हैं, अगेन 103 और 123। मतलब एक हम ऐसा स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि पहले राउटर से अगर दूसरे राउटर पे जा रहा है तो उसको 122 दे दिया, और दूसरे पहले राउटर से थर्ड राउटर पे जा रहा है तो उसको 123 दे दिया। इसी तरीके से 2 से 1 आ रहा है तो उसको 201 ले रहे हैं, यानी कि 221, और 3 से अगर 1 पे जा रहा है तो 321 उसको हम कन्फिगर कर रहे हैं। ऐसे ही 2 से 3 तो 203, और 3 से 2 जो लिंक जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी डेलसी वैल्यू 302 दे दी है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है रियल सिनेरियो में कि ये भी 302 हो और ये भी 302 ही हो। तो सीरियल 1 पे जाता हूँ और यहाँ पे जो कनेक्टेड है हमारे इस राउटर के साथ, तो इसकी दोनों डेलसी वैल्यूज यहाँ कन्फिगर कर देता हूँ 201, और इसको दे देते हैं नाम 221, ऐड करवा देते हैं, अगेन 223, 223 ऐड करवा देते हैं, अगेन सीरियल 2 पे जाते हैं जो कि कनेक्टेड है हमारे इस राउटर 3 के साथ। इसमें वैल्यू डालते हैं 301, इसका नाम रख देते हैं 321 और 322 जो यहाँ पे जा रहा है। इतना होने के बाद फ्रेम रिले को क्लिक करते हैं और यहाँ पे इनके बीच में अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि यहाँ से लेके जो यहाँ लिंकिंग हो रही है, जो वर्चुअल सर्किट, एक्चुअल में ऐसी कोई सर्किट नहीं जा रही है, वर्चुअल सर्किट इस केबल फिजिकल केबल के थ्रू ही आएगी और इसके बीच में से ही कनेक्शन बनेगा। तो मेरा जो सीरियल जीरो है वो इंटरनली कनेक्टेड है विद सीरियल वन, तो ये मेरा सीरियल जीरो है क्लाउड का और ये है सीरियल वन। इन दोनों को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो सीरियल जीरो कनेक्टेड है सीरियल वन से, तो डेलसी वैल्यूज देख लीजिए यही आ रही है 102 और 201, तो ऐड कर देते हैं। ये कभी भी वैल्यूज उल्टी ऐड नहीं होंगी, तो आप अगर मैं चाहूँगा भी इनको, जैसे कि इसको 2 से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, ये जो वर्चुअल सर्किट आ रही है ये बनाने के लिए। तो मैं यहाँ से अगर ये जो लिंक जा रहा है एक्चुअली में 103 जा रहा है, तो मैं अगर ट्राई करता हूँ ऐड करने की तो देखिए मुझे एरर आ जाएगा। तो मैं इससे लेता हूँ 103 और 301, यानी कि ये जो वर्चुअल लिंक है वो यहाँ से यहाँ ऐसे हो रहा है, या फिर इसको जैसा कि शेडेड लाइन में डॉटेड लाइन में दिखाया है कि यहाँ से ऐसे कनेक्शन बन रहा है, तो इसको भी ऐड करवा देते हैं। अगेन एक लिंक ये भी एस्टेब्लिश्ड है, तो ये एस्टेब्लिश है सीरियल वन में और टू में, क्योंकि ये सीरियल वन है और ये सीरियल टू, तो यहाँ से भी एक वर्चुअल सर्किट अगर आप एस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं तो आपका ये जा रहा है 223 और 322, ऐड करवा देते हैं। तो देखिए ये लिंकिंग बन गई है। तो ये हमारा अब फ्रेम रिले जो नेटवर्क है ये तैयार है, इसको मैं आगे कॉन्फ़िगर करना आपको सिखाऊंगा। तो इस टोपोलॉजी को पूरा कंप्लीट करते हैं, इसके साथ हम स्विचेस भी कनेक्ट कर देते हैं जैसे हम पहले करते आए हैं। तो स्विचेस उठा के एंड अगेन स्विचेस, और इसमें हम पीसीज को भी कनेक्ट कर देते हैं
वन और कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो इस बार मेरे को कौन सी केबल लेनी है, स्ट्रेट केबल। तो फास्ट एथरनेट को स्विच के पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, अगेन स्ट्रेट केबल लेके, अगेन स्ट्रेट, इसी तरीके से पूरी कनेक्टिविटी बना देते हैं। हम किसी भी पोर्ट के स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हैं राउटर पोर्ट, बट मुझे याद रहे कि मैं मेरे जो नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं वो लास्ट के पोर्ट से कनेक्टेड हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको लास्ट से कनेक्ट करता हूँ। तो ये कि हमारा टोपोलॉजी जनरेट हो गई है जिसपे हम फ्रेम रिले पे वर्क करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्लाउड कॉन्फिग्रेशन जो आपको पैकेट ट्रेसर में करनी पड़ती है ताकि आप फ्रेम रिले नेटवर्क्स को एस्टेब्लिश कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन फ्रेम रिले की देखेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।